इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तीर्थ में 12 साल, 12 माह, 1 माह, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन अथवा 1 रात्रि विश्राम करने का विधान। तीर्थ कहाँ? एक तो वो तीर्थ हैं जो शास्त्रों पुराणों सदग्रंथों ने बताया। सुनिएगा, हमारे आपके आसपास कई तीर्थ हैं, महिमा के अनुसार सतयुग में नैमिषारण्य तीर्थ, इसकी महिमा सतयुग से ही है। त्रेता में पुष्कर राज तीर्थ, द्वापर में कुरुक्षेत्र तीर्थ, कलयुग में जहां जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गोदावरी ये नदियां हैं, वो सारे स्थल तीर्थ हैं। अपने यहां घटिया घाट तीर्थ, यहां बहुत बड़ा मेला लगता है माघ मेले में, एक बार मैं दर्शन करने गया था। तो तीर्थ का अर्थ क्या? पहुंचने से तार दे, तारेत तीर्थ, इति तीर्थ। पहुंच गए, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने एक नवीन तीर्थ प्रगटाया। क्या? मोद मंगलमय संत समा जंगम माने चलता फिरता। आनंद और कल्याण वार्ता से भाव से समन्वित संपन्न साधु जनों का समाज तीर्थ समाज। कौन समाज? तीर्थ राज अर्थात प्रयाग के बराबर। अरे भाई, जहां प्रयाग है वहां त्रिवेणी चाहिए, बिना त्रिवेणी के तो प्रयाग होना नहीं है। वेणी माधव जैसा सखा चाहिए, सिंहासन चाहिए, रानियां चाहिए, सचिव चाहिए। संत समाज रूपी तीर्थ राज में ये सब है। हो देखिए, राम भगति जह सुर सरिधा, सरसई ब्रह्म विचार, ब्रह्म चर्चा सरस्वती स्वरूप है। राम जी की चर्चा, राम भक्ति की चर्चा ये गंगा जी है। वेदे निषेधमय कलिमल विधि माने करणी, निषेध माने अकरणी।
आपको यह करना चाहिए, हमको यह करना चाहिए, जो विधि है इससे बचना चाहिए, को कदापि नहीं करना, ये निषेध है। ये क्या है? तो यमुना जी ब्रह्मचर्चा बीच बीच में प्रच्छन्न आती है, सो सरस्वती जी। अच्छा, नदियां तो तीनों आई गई, अब अक्षय भट्ट, भट्ट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ समाज सुख। बाल कांड में है, भले ठीक तू ना डॉक्टर है, यो एक डॉक्टर ना है। जो करते रहोगे अरे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। ये पद प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी भजानंद जी महाराज मैनपुरी की रचना है। कोई काम
डॉक्टर शुक्ला पीएचडी लोगों से भी चौपाई नहीं बोली जाती है। अयोध्या जी में वो बगल वाले डॉक्टरेट थे, मंगल भवन अमंगल आरी दरबव सुदशरथ अजर बिहारी कहते थे ना उन्हें। सुना आपने कि बिना पढ़े बिना जपे न आई, तो 12 घंटा लगना पड़ेगा इसमें। जैसे पीएचडी फेल है माय डियर, ओढ़ना बिस्तरा हमने बना रखा था तब उतरा है, नहीं उतरा। ब्यास जी रात भर रगड़ते थे हम लोगों को, थोड़ा सा कसी आप नहीं चले। ये सेवा है माय डियर, ये नौकरी नहीं है। फेंक दिया धरिया चल गए झरिया, इतना चलिए। जिसकी धर्म निष्ठा हो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ये धर्म है। नहीं हमारे दंडित स्वामी जी, हमारा धर्म अलग है इनका धर्म अलग। गृहस्थ का धर्म कृत धर्म अलग है, सर्वकाल अलग है, सन्यासी महापुरुष का धर्म आचरण अलग है, वानप्रस्थी का विलग है। द्वादश सोचनियों में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचिय गृही जे मोह बस करई कर्म पथ त्याग। आप बोला नहीं कर, हम लोग गृहस्थ हैं, जो कर्म पथ का त्याग करे। गृहस्थी कर्म पथ क्या है, तो पंच महायज्ञों का यजन ये कर्म पथ है। इन ऋणों से ऋण होने की यात्रा ये कर्म पथ है। और निश्चित मानिए, जो सतपथ कर्म पथ पर चलता है, जीवन के किसी भी क्षण में वो दुखी नहीं रहता। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।